बारामूला के केरी बाजार में प्रशासनिक टीम ने नायब तहसीलदार केरी गुलाम हसन के नेतृत्व में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ दुकानों पर जाकर जांच की। जांच टीम का उद्देश्य बाजार में गुणवत्ता और मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करना था। इसी दौरान जांच टीम ने दुकानदारों से 3300 रुपए जुर्माना वसूल, 2 किलो पॉलिथीन भी जब्त किया है। इसी बीच एंटी इंक्रोचमेंट अभियान भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार ने कहा कि ऐसी ड्राइव नियमित आधार पर आयोजित की जाएगी और कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं TSO मलिक मोहम्मद मकबूल ने कहा कि पिछले महीने जांच टीम ने बाजार से 15 किलो पॉलिथीन जब्त किया था, जबकि इस बार 2 किलो जब्त किया गया है। क्रीरी में मार्केट चेकिंग की, जिसमें इससे पहले भी हमने की थी, मगर उसके और आज के मामले में बहुत फर्क नजर आई हमें। पहले तो हमने 10-20 किलो पॉलिथीन पकड़े थे, मगर आज सारे बाजार में घूम के हमने सिर्फ 0.5 किलो पकड़ लिया, क्योंकि मेरे ख्याल में, जहाँ मुझे लगता है कि बहुत असर पड़ा है मार्केट पे भी, और इतना आज साफ शफाफ था कि बहुत ही दिल खुश हो रहा था। आपने कितना जुर्माना किया? हमने आज 3300 रुपये नकदी जुर्माना किए, और जहाँ तक मुझे ख्याल था कि हम आज 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये तक जुर्माना कर सकते थे, मगर जहाँ हमने देखा आज, तो आज बिल्कुल ठीक ठाक से चल रहा था, और मेरी नज़रों में और ऑफिसर जो मेरे साथ थे, SHO साहब था, तहसीलदार साहब था, नायब तहसीलदार साहब था, और DSP साहब थे, और हमारी टीमें थी तीनों महकूम के, वो भी साथ साथ थे। बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया उन्होंने भी, और इत्मीनान से कहता हूँ कि आज का दिन बहुत ही अच्छा और खासा रहा। बारामूला की केरी से आशिक केरी, अल्लाह टीवी न्यूज़।